आज के इस वीडियो में जानेंगे HDR होता क्या है और कब आपको HDR पिक्चर्स लेना है। बेसिकली देखिए HDR इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, हाई डायनामिक रेंज। तो हाई डायनामिक रेंज, ये डायनामिक जो है वो शेडोस एंड हाइलाइट्स का रीजन जो रहता है कोई भी सीन में, उसको कैसे कवर करता है, मतलब आप कैसे चाहते हैं कि वो हाइलाइट्स एज वेल एज शेडोस उस पिक्चर में दिखे, ये वाला जो है वो उसको डायनामिक कहते हैं। हालांकि टेक्निकली और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इजी कर देता हूँ। तो ये डायनामिक होता है, और रेंज क्या होता है, तो कितना शेडोज, कितना हाइलाइट्स वो कवर कर पाता है। अगर आप आंखों से ऐसे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ब्लू स्काई एज वेल एज क्लाउड्स है, एंड नीचे ब्यूटीफुल सीन है, गार्डन हो, पार्क हो, या फिर कहीं फॉरेस्ट में हो, लेकिन आप आंखों से जो देखते हैं वो क्लाउड्स भी देख सकते हैं, एंड शेडोस एरिया में जो है वो भी देख सकते हैं। ऐसे कैमरा सेंसर नहीं देख पाता है, तो इसके वजह से HDR इमेजेस कैप्चर करेंगे तो जो हम देख रहे हैं आंखों से वैसे आप इमेज में भी पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, DSLR में यूजुअली क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सपोजर इमेजेस कैप्चर करते हैं। इसका अर्थ सिंपल है, 3 इमेजेस कैप्चर करेंगे। एक इमेज कैसा रहेगा, थोड़ा ब्राइट करेंगे हम, मतलब कि जो शेडोस में है, जो शेडोस में दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा को, तो उसको हम एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज यानी कि कैमरा सेंसर को हम बताएंगे कि देखो भाई अभी हम शेडोस एरिया में जो है उसका कवर कर रहे हैं डिटेल। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोजर वैल्यू करके मीटर रहता है, उसको आपको बढ़ाना पड़ता है +1 स्टॉप। वो भी डिपेंड करता है, कई बार +1 कर सकते हैं, +2, +3, +4, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा डिटेल चाहते हैं तो +4 रख सकते हैं, +3 रख सकते हैं, वो पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल चॉइस है, एंड वैसे सीन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है, +1 स्टॉप, मतलब एक थोड़ा ब्राइट करेंगे, जो डार्कर रीजन है उसको हम ब्राइट करेंगे, तब इमेज सेंसर उसका खींच लेगा, एंड जो हाइलाइट्स, जो क्लाउड्स है, ब्लू स्काई है, वो तो ज़्यादा हाइलाइट, मतलब कि ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो वाला एक इमेज लेना है। द सेकेंड इमेज इज जैसे कैमरा डायरेक्ट देख रहा है, ठीक एक्सपोजर वैल्यू, मतलब 0 एक्सपोजर वैल्यू पर एक क्लिक करेंगे ऐसे। एंड थर्ड इमेज जो है उसको हम थोड़ा डार्क करेंगे, ताकि जो क्लाउड्स एज वेल एज ब्लू स्काई जो है वो सीन में आए, मतलब यहाँ पर जो शेडोस एरिया रहता है वो और भी डार्क हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, तो उसको वैसे करने देते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको PC पर लाकर बेसिकली फोटोशॉप में या फिर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में HDR प्रोसेसिंग करके रहता है, उसमें अगर जाएंगे टूल्स में तो इजीली आपको 3 इमेजेस अगर उस पर ओपन करेंगे, 3 इमेजेस अगर, तो ऑटोमेटिकली स्टैक करके आपको सिंगल इमेज देगा विच इज़ HDR। तो ये बेसिकली HDR इमेज, एक जैसे हम आंखों से डायरेक्ट देख रहे हैं उस सीन को वैसे ही पाने के लिए कैमरा में ऐसे करना पड़ता है, 3 एक्सपोजर वाला क्लिक करके उसको एक ही इमेज में बदलने से आपको जो सारा डिटेल है वो कवर हो जाता है, एंड इसको HDR कहते हैं। लेकिन अभी ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ना, क्योंकि ट्राइपॉड रखना पड़ता है, 3 इमेज कैप्चर कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई इमेज भी उसमें कुछ मूवमेंट आ जाता है सीन में तो वो ख़राब कर देता है, ठीक से HDR इमेजेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सीन में तो मूवमेंट रहेगा, एक सीन में स्टिल है, और एक सीन में पता नहीं कुछ होता रहेगा वहाँ। तो इसके वजह से आजकल के DSLR कैमरास में इन कैमरा HDR प्रोसेसिंग करके आया है। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो मैं ट्यूटोरियल दूंगा आपको कि कैसे कैप्चर करें वो। तो इन कैमरा HDR में क्या होता है, कैमरा खुद, अगर आप 3 एक्सपोजर रख रहे हैं तो मल्टीपल एक्सपोजर में खुद कैमरा सडनली क्लिक करके, अगर एक बार शटर प्रेस करेंगे तो 3 इमेजेस क्लिक करके वो स्टैक करके, उसी कैमरा में स्टैक करके आपको सिंगल इमेज सेव करके देगा विच इज़ HDR। ये बहुत ही ऑसम टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल चल रहा है, एंड वेरी इजी कर दिया है आजकल HDR क्लिक करने में। अगर वो ट्यूटोरियल चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो ऐसे HDR को ट्रेडिशनली कैप्चर करते आए हैं। तो आजकल स्मार्टफोन्स है ना, तो आप बहुत बार देखे होंगे मोबाइल में कि HDR ऑन करके आता रहता है, HDR करके रहता है, ऑफ ऑन ऑटो करके रहता है। तो ये कब यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादातर लैंडस्केप, नेचर एज वेल एज स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको यूज़ करना है, ना कि पोर्ट्रेट्स खींचते वक्त। हाँ, अगर आप पर्सन को कहीं दूर फ्रेम में रख रहे हैं, एक लैंडस्केप इमेज ले रहे हैं, तभी जाकर आप HDR इमेजेस को एनेबल कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप HDR इमेजेस किसी पर्सन के पोर्ट्रेट को कैप्चर मत करना, क्योंकि क्या होता है, पर्सन्स का डिटेल बहुत ही उठकर दिखेगा। अगर शेडोस यहाँ पर है तो शेडो एरिया भी ठीक से दिखाई देगा, एंड हाइलाइट्स का जो रहता है वो भी ठीक से दिखाई देगा। इससे क्या होता है, जो ब्यूटी का है उसका अपोजिट बन जाता है, एंड जो फेसेस रहता है वो ठीक से नहीं दिखाई देगा। इसके वजह से HDR इज़ यूजुअली कैप्चर्ड फॉर लैंडस्केप, नेचर एज वेल एज स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो जब भी आप मोबाइल लेकर कोई क्लिक करने जाएंगे पिक्चर्स को, अगर HDR ऑन करके दिखाई दे रहा है तो आप देखिए कि कौन सा सीन है वहाँ पर, क्या क्लिक कर रहे हैं आप। अगर लैंडस्केप का है तो ठीक है, HDR ले सकते हैं, अगर किसी पर्सन्स का है तो HDR को ऑफ करके क्लिक करना है।
बेसिकली एक मुझे पता ना था कि HDR क्या होता है एंड कब यूज करना है, कैसे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये था HDR, होपफुली आपको समझ में आया होगा अभी एंड इजी कर दिया हूँ मैं आपको कि HDR कब कैप्चर करना है, होता क्या है HDR एंड कैसे आप क्लिक करके ऑसम इमेजेस पा सकते हैं। तो अगर ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।